हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। और आप मेरी चैनल पर अगर नए हो, आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कि स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं तब हमको गुस्सा आ जाता है, और ये गुस्सा हमारे लिए काम का है या नहीं काम का है वो हम जानेंगे। ओके, तो मेरा वीडियो शुरू करता हूँ। बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके पास ताकत होती है और गुस्सा होता है, और कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जिनके पास प्रॉपर स्किल होती है। जिनके पास सिर्फ ताकत और गुस्सा होता है वो भी बेकार है, और जिनके पास सिर्फ स्किल है, गुस्सा नहीं है, जुनून नहीं है, तो वो भी बेकार है। परफेक्ट स्पोर्ट्समैन के पास प्रॉपर स्किल भी होनी चाहिए और खेलने का जुनून भी होना चाहिए। दोनों का समन्वय ही खिलाड़ी को संपूर्ण बनाता है। आपके खेल के प्रति आपके अंदर जुनून है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका वही जुनून गुस्से में कन्वर्ट होके सामने वाले खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाइए, ये बहुत ही गलत बात है। आप एक उदाहरण ले लीजिए कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का बॉयज़ का जो क्रिकेट मैच हुआ था, उसका फाइनल जब बांग्लादेश और भारत के बीच में जो मैच हुआ था, उसका लास्ट मोमेंट जब बांग्लादेशी प्लेयर और इंडियन प्लेयर्स के बीच में झगड़ा हो गया था, क्योंकि बांग्लादेशी प्लेयर को जीत की इतनी खुशी थी और उनके अंदर इतना जुनून आ गया था कि वो ये भी भूल गए थे कि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, वो एक गलत बात है। आजकल टीवी पे आ रहा है प्रो कबड्डी, और प्रो कबड्डी देखने के बाद बहुत से लोगों को मन में ये गलत फहमी है कि उनके पास ताकत है तो ये वाले गेम तो हम आराम से खेल लेंगे, कबड्डी मैं खेलूँगा तो 3-4 प्लेयर को तो मैं ऐसे ही उठा के पटक दूंगा। ये उनकी गलत फहमी है। गेम में ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी गेम्स में स्किल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ता है। आप हार्डवर्क करोगे, कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी वो स्किल को आप डेवलप कर पाओगे, नहीं तो आपकी ताकत बेकार होगी। वो प्रॉपर स्किल को कहाँ पे गेम्स में यूज़ करना है, उसके लिए आपका माइंड भी इतना काम करना चाहिए कि उस टाइम पे ही आप अपनी स्किल को यूज़ कर सको, इसलिए दिमाग भी आपके पास बढ़िया होना चाहिए। तो बहुत सारी गेम्स ऐसी है जिनके लिए आपको ताकत की ज़रूरत रहती है, जैसे कि रेसलिंग, बॉक्सिंग, पावर लिफ्टिंग एंड कबड्डी। ये सब गेम्स आप खेल सकते हो, इसके अंदर आपको ताकत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। बोल रहे होंगे कि स्पोर्ट्स के लिए गुस्सा तो ज़रूरी है, तभी गेम अच्छी खेली जाएगी, लेकिन वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको गेम में कभी गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा वो आपके अंदर रखिए, दूसरों को जताइए मत कि आपको गुस्सा आ रहा है। ओके, दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए आपका वो गुस्सा कुछ काम का नहीं। जो भी खिलाड़ी अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाए तो वो सबसे अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। गुस्से को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। नहीं है कि हर गेम में गुस्सा होना ज़रूरी है, हर गेम में आपका गुस्सा मदद रूप होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आप ले लीजिए चेस, शूटिंग, आर्चरी, ये सब गेम्स में एंगर परसेंटेज 0 रहता है, आप ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकते, नहीं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन हो सकता है। खेलने से आपका फोकस गेम में से हटके दूसरे किसी चीज़ पे चला जाएगा और आप अपनी प्रॉपर स्किल नहीं कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊंगा आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करें। मेंटल प्रैक्टिस, आप ऐसे अपने दिमाग को सेट करें कि आपको किसी भी वजह से अगर गुस्सा आए तो आप गुस्से को कंट्रोल कर सको। आप उस समय पे एकदम शांत रहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, ऐसा अपना मेंटल प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। गेट प्रेजेंट, जो भी परिस्थिति आपके सामने है आप उनको देखिए, समझिए कि अगर ये परिस्थिति अभी आई है तो वो किस वजह से आई है, मेरी वजह से आई है, आपने आपके गुस्से के वजह से आई है, तो वो परिस्थिति का निर्माण आप मत कीजिए और परिस्थिति को संभालिए। थर्ड है यूज़ मंत्र, आप एक कोई ऐसा मंत्र दिमाग में डाल दीजिए, जो मंत्र आप बोलते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली थोड़ा शांत हो जाएगा। कुछ भी चीज़ें, या फिर आप कुछ सोच सकते हो,
आप कुछ सोचो कि जिसके वजह से आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाए। मूड है लेटिंग गो। जो सिचुएशन आपके सामने उपस्थित हुई है वो सिचुएशन को आप भूल जाओ और नेक्स्ट टाइम के लिए सोचो अब मुझे क्या करना है। मूड है फोकस ऑन योर प्रैक्टिस। आपने जो भी प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस के स्किल के बारे में आप फोकस करो, गुस्सा भूल जाओ, जो आपने स्किल सीखी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, उसको याद करो और वो गेम में इम्प्लीमेंट करो। है सबसे अच्छी चीज़ मेडिटेशन एंड योगा। योगा आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपका एंगर कंट्रोल करने के लिए। आपको गुस्सा आता है और आप बहुत गुस्सा करते हो, आपकी गेम उसके वजह से बिगड़ जाती है, तो आप मेडिटेशन करो और योगा करो, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और गुस्से को आप अवॉइड करो। आप ऐसा मोमेंट्स आने ही मत दो कि आपको गुस्सा आए, गुस्से को कंट्रोल करो। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम चालू गेम में हमारे गेम में जो रेफरीशिप कर रहे हैं वो रेफरी के साथ भी हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम हमारे मन में हमारे खुद के बारे में ये इमेज बनी है कि हम बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और हम कभी भी गलती नहीं कर सकते। लेकिन यार आप इतना भी सोचिए कि जो आपके गेम में रेफरी है वो भी उस गेम के निष्णात है, उनको भी ये पता है कि रूल्स रेगुलेशन क्या है। वो ना तो ए टीम की तरफ से है या ना बी टीम की तरफ से, वो इक्वली ही डिसीजन देते हैं। ओके, वो ऐसा नहीं है कि आपको अलग डिसीजन लेंगे और सामने वाली टीम को अलग डिसीजन लेंगे। लेकिन हमारा एंगर और हमारा अहम जो हमारे मन में है कि जो भी मैं खेलता हूँ वो मैं परफेक्ट खेलता हूँ, मैं कभी भी गलती नहीं करता हूँ, यही हम अहम हमको झगड़ा करने के लिए प्रेरित करता है, तभी हम रेफरी से झगड़ा करते हैं। स्पोर्ट्स में वही प्लेयर सबसे ज़्यादा झगड़ा करता है या फिर गुस्सा करता है कि जिसके पास प्रॉपर स्किल नहीं है या वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है उस गेम के अंदर कि वो बढ़िया प्लेयर है। क्योंकि जिसके पास प्रॉपर स्किल होती है, जो अच्छा खेल रहा होता है, वो सिर्फ अपनी गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके अपनी गेम खेल रहा होता है, वो किसी पे भी गुस्सा नहीं करता। दोस्तों जो प्लेयर हर बार गुस्सा करता रहता है, हर बार हर गेम में झगड़ा करता रहता है, तो आपके सामने वाले प्लेयर्स पे और रेफरी पे आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी कि ये आदमी हर गेम्स में झगड़ा करता ही रहता है या फिर गुस्सा करता ही रहता है, और आपके गुस्से की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, अब हर बार शांति से खेलते हो, कई बार रेफरी से भी गलती हो जाती है, कुछ डिसीजन आपके पक्ष में उन्होंने नहीं दिया और तब आपको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और आप रेफरी से थोड़ा आर्ग्यू करते हो, तब रेफरी आपके आर्ग्यूमेंट का वैल्यू समझेगा कि हाँ इन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। लेकिन हर बार आप रेफरी के साथ आर्ग्यूमेंट करोगे तो उसके दिल में आपके आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी कि नहीं, ये तो हर बार ऐसा ही करता है और इसकी आर्ग्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। फ्रेंड्स हम एक उदाहरण ले लेते हैं। आप देखिए सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों ही वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हैं, लेकिन जब भी आप सचिन के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एकदम शांत है, एकदम काम रहते हैं और गुस्सा नहीं करते हैं। जबकि विराट कोहली को जब आप देखते हो टीवी के अंदर तो वो इतना गुस्सा करते हैं हर किसी गेम के अंदर। तो आप सचिन तेंदुलकर को ज़्यादा मानते हो या फिर विराट कोहली को? दोनों का गेम तो सेम ही है, दोनों अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन हम जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में कुछ याद करते हैं तो हमको सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे पहले याद आता है। और विराट कोहली जब भी रेफरी के साथ या प्लेयर के साथ कुछ भी आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उसको कई बार अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर कुछ टॉपिक या कुछ बात रेफरी से बोलेंगे, अंपायर से बोलेंगे, तो वो उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर उतना गुस्सा नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी गेम के ऊपर ही फोकस रखते हैं। अभी आप में से कुछ लोग को ये क्वेश्चन होगा या ये बोलना चाहते होंगे कि हम तो गुस्सा करते ही नहीं हैं, सामने वाले प्लेयर जो होते हैं वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिसके वजह से हमको गुस्सा आता है। तो मैं आपको उनका भी उपाय बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिसके वजह से आपको गुस्सा ना आए। फर्स्ट है नो रिप्लाई। वो प्लेयर जो आपको गुस्सा दिलवाता है या फिर आपके ऊपर गुस्सा करता है तो उसको कोई रिप्लाई मत दो, उसको इग्नोर कर दो। आप ऐसा बिहेव करो कि उनके गुस्से का असर
आपके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है, टर्न यू टर्न ले लो, जो स्थिति वहाँ पे उपस्थित हुई है, जो प्रॉब्लम हुआ है, या फिर वो सामने वाले प्लेयर जो आपको बोल रहे, आप वहाँ से चले जाओ, यू टर्न ले लो, वो चीज़ को छोड़ दो, जो भी हुआ है अपनी गेम पे ध्यान दो, जो मोमेंट पे झगड़ा हुआ था वो मोमेंट को ही आप छोड़ दो। थर्ड है, रिजल्ट के बारे में सोचो। अगर सामने वाला आपको गुस्सा करवा रहा है, आपको गुस्सा आ जाएगा, तो दोनों तरफ से अगर गुस्सा हो गए तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर आप सोचिए कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। आप रिजल्ट के बारे में भी सोचिए कि जो झगड़ा हो रहा है उसका परिणाम क्या आएगा। फोर्थ है इम्पोर्टेंट। सामने वाला अगर आपको गुस्सा दिलवाने की ट्राई कर रहा है या फिर आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है, तो आप इम्पोर्टेंट समझिए उस टाइम का, कि उसके ऊपर गुस्सा करना या उसके गुस्से का रिप्लाई देना इम्पोर्टेंट है। अब वो चीज़ समझ लीजिए तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। पांचवा है रिस्पेक्ट। अगर सामने वाला आपको गुस्सा दिलवा रहा है और आप भी गुस्सा करोगे, तो आप जिन लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, जैसे कि रेफरी है, कोचिस है, और सामने वाली टीम के कुछ प्लेयर भी ऐसे होंगे जिनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो आपको समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि आप झगड़ा मत करो, तो आप अपने आप को शांत कर दो, उनकी रिस्पेक्ट करो, वो जो कह रहे हो उनको समझो और गेम को चालू करो, गुस्से को अवॉइड करो। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा टॉपिक था गुस्से के बारे में। या तो आपको गेम्स में गुस्सा आता है, या फिर चालू गेम में आपको कोई गुस्सा दिलवाने का ट्राई करता है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ खामी दिखाई देती है या फिर आपका कुछ सूचन हो, तो आप कमेंट्स में लिखें कि क्या सुधार करना चाहिए या फिर क्या क्या गलतियाँ हुई है। ओके, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो, आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching.